आज कलैत हल्के के गांव कुराड़ में हरियाणा खेत मजदूर कांग्रेस के अध्यक्ष एवं सदस्य हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी धर्मवीर कोलेखा ने हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला पहुंचे। आपको बता दें कि सुबह से ही लोग आने शुरू हुए और संख्या लगातार बढ़ती गई। कार्यक्रम ने विशाल रैली का रूप ले लिया। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा जजपा का DNA किसान व मजदूर विरोधी है। खट्टर दुष्यंत की जोड़ी अगली फसल व नस्ल को बर्बाद करने पर तुली है। सुरजेवाला ने कहा कि उनके पिता चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला ने राजनीति की शुरुआत कलायत से ही शुरू की थी। वे कलायत की सेवा में तत्पर हैं। चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भीड़ देखकर धर्मवीर कोलेखा की पीठ भी थपथपाई। आइए सुनाते हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मंच से क्या भाषण दिया। सबसे पहले तो मैं मेरे सामने बैठे हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों और माता और बहनों, आप सभी का यहां पर स्वागत करता हूं और सिर झुकाकर आपका यहां गांव कुराड़ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य मेरे बड़े भाई कांग्रेस पार्टी के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, मंच पर बैठे हुए छोटे भाई सतवीर भाणा जी, राजेश जी, सम्मानित मंच, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आप सभी का मैं धन्यवादी हूं कि इस कड़ी धूप में जो यहां हजारों की संख्या में बुजुर्ग और नौजवान साथी पहुंचे हैं, माताएं बहनें पहुंची हैं, पत्रकार साथियों, सभी का यहां पर स्वागत करता हूं। साथियों, इस गांव कुराड़ से मेरे परिवार का बहुत पुराना नाता है। इस गांव का हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद बना रहा है। सन 70 से लेकर बड़े भाई साहब यहीं रहते थे, कबड्डी के प्लेयर थे, इसी गांव में पढ़े थे। उसके बाद मेरे सूर्य भाई राजपाल जी का यहां 27-28 साल से स्कूल रहा है और मैंने जब भी जिला परिषद का यहां से इलेक्शन लड़ा, मेरे गांव के बाद इस गांव का आशीर्वाद मेरे को सबसे ज्यादा मिला। इसके लिए मैं इस गांव का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बुजुर्गो, नौजवान साथियों, आज जो इतनी बड़ी तादाद में आप यहां पहुंचे, पूरे इलाके का, पूरे गांव का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जो है शख्सियत आपके बीच में बैठी है रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, ये देश ही नहीं, ये प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अंदर रणदीप सिंह सुरजेवाला का डंका बोलता है। साथियों, चाहे कर्नाटक की सरकार में जो भी भूमिका रही, उसके अंदर अहम योगदान रणदीप सिंह सुरजेवाला का रहा है। बुजुर्गों, अपने इलाके के अंदर हिसार से लेकर पानीपत तक, कोहाना से लेकर पंचकुला तक, अगर इस इलाके के अंदर चौधरी लानी है तो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमने रणदीप सिंह सुरजेवाला का दामन पकड़ना पड़ेगा। क्या आप सब लोग इस बात के लिए तैयार हो कि पूरे हाथ खड़े करके भाई रणदीप सिंह का समर्थन करो और अपने इस कैथल जिले की, जींद जिले की, कुरुक्षेत्र की सारी सीटें रणदीप सिंह सुरजेवाला के, कांग्रेस पार्टी के जोड़ी में डालने का काम करो। जन जन की आवाज बनाओ, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करो। हरियाणा के अंदर जैसे हम गांव गांव के अंदर गए हैं तो कांग्रेस पार्टी की लहर चली हुई है और इसमें कोई दावे नहीं कि आने वाली 2024 के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अगर यहां कुराड़ से एक संदेश देना चाहते हैं भाई साहब को कि पूरे इलाके के अंदर हर आदमी आपका हाथ से हाथ पकड़ेगा, इसमें कोई दोराय नहीं है। हर आदमी आपके साथ चलेगा, हर आदमी आपका साथ देगा और आने वाला टाइम कांग्रेस पार्टी का होगा और इसमें कोई दोराय नहीं कि आने वाले टाइम में ये जो हमारे बीच में बैठे हैं, ये हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री हैं।
बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूरे अपने इलाके के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर जब भी भाई साहब को हम दिल्ली में मिलने जाते हैं तो लोगों की वहां लाइन लगती है, चाहे मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, मिलने का टाइम नहीं मिलता। और अपने इलाके के अंदर यहां भाई आप लोगों के बीच में बैठे हैं तो सभी साथी, सभी बुजुर्ग कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े और भाई साहब को मजबूत करने का काम करें। अब मैं दो चार नारे लगाने का काम करूंगा तो सभी साथी मेरे साथ नारे लगाएं, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, रणदीप सिंह सुरजेवाला जिंदाबाद। और अंत में एक नारा और मैं आपको जोड़ना चाहता हूं, जो नया नारा है, जनता जनार्दन जिंदाबाद, जनता जनार्दन जिंदाबाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय कांग्रेस, जय रणदीप। धन्यवाद हिंदू भाई, बाकी पीछे खड़े हर जगह सारे जाते। अब मैं प्रार्थना करूंगा हिंदुस्तान के उस नेता से जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर किसान और गरीब और नौजवान की आवाज उठाने वाले, हरियाणा की आवाज और इस इलाके के बेटे, आपके बेटे कुराड़ की धरती और इस कर्म भूमि से चलने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और राज्यसभा सांसद, सबसे बड़ी पंचायत में आपके आवाज उठाने वाले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव आपने जो रणजीत सिंह सुरजेवाला जी से प्रार्थना करूंगा कि आए और अपना संबोधन करे, एक बार जोरदार तारी से स्वागत कर दे। और उनके अंदर सिख 22-27 साल की जो इसी गांव से है वो भी बड़ी मेहनत से रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुरजेवाला जी। आदर और सम्मान के योग्य मेरे भाई और साथी किसान कांग्रेस के हरियाणा के अध्यक्ष, आपके बेटे भाई धर्मवीर कोलेखां जी, बड़े भाई बलवान सिंह जी, मेरे भाई और साथी राजेश अंबरसर जी, भाई सतबीर भाणा जी, हमारे बुजुर्ग आदरणीय मियां सिंह गिल जी, आदरणीय पूरण सिंह गिल जी, नरेश गिल जी, रामपाल शर्मा जी एक सरपंच, अनिल शर्मा जी सदस्य ब्लॉक समिति, प्रेम तेली जी शमशेर मेंबर जी, जिले सिंह चहल जी, गुरमेल चहल जी, दीपा राम चहल जी, धूप सिंह बूरा जी, सुखपाल बूरा जी, गजे सिंह फौजी जी, पाला राम केंद्र जी, भाई भीम सिंह जी, रमेश शर्मा जी, विकास शर्मा जी, धर्मपाल शर्मा जी, लाभ सेन जी, हरिकिशन शर्मा जी, जीत प्रजापत जी, अमित चहल जी, जगदीश बंसल जी, सतीश वर्मा जी, राजा जी काला नंबरदार, ईश्वर सिंह जी काला, राजा काला जी, जोगेंद्र भूकल जी, रोशन बेलदार जी, संदीप वाल्मीकि जी, जसमेर चौकीदार जी, जोगाराम नायक जी, सतनाम बूरा जी, कृष्ण शर्मा जी, डॉक्टर मिड्डा जी, रामा गिल जी, चांदीराम गिल जी, सलिंदर शर्मा जी, विजेंद्र बूरा जी, गामू प्रजापत जी, ज्ञानी राम जी, बिल्लू चहल जी, सुरेंद्र नंबरदार जी, संजय नंबरदार जी, मेरे साथी भाई गुरुदेव ढूंढवा जी, मास्टर कुलदीप मटोर जी, रणधीर कसाण जी, जगताराम जी,
प्रेम काकोत जी, चेयरमैन साहब हजारी जी, यशपाल लहल जी, रणधीर लहल जी, जोरा सिंह सेनन जी, भाई राजेश संलाणा जी, कृष्ण कोले खां जी, अशोक जेलदार जी, मेरे भाई और साथी यशवी महावीर चहल जी जो जिला प्रधान है किसान यूनियन के, संजीव सरपंच जी, लखा मांडी जी, नार सिंह संधू जी, वीरेंद्र रायचंद वाला जी, रघुवीर भारद्वाज जी, अनिल शर्मा जी, अशोक मलिक जी, बलबीर दहिया जी, काला पिंडारा जी, रणबीर पहलवान जी, संदीप हैबतपुर जी, बलजिंदर ढरवी जी, दिलबाग ढांडा जी, निर्वेल सरदार निर्वेल सिंह जी, सुरेश वाल्मीकि जी, हमारे मंडी प्रधान ऋषि जी, डॉक्टर कर्मवीर जी, भाई सतीश जी, दल सिंह जी, रमेश जी, बेदा जी, जगदीश मास्टर जी, राज सिंह जी, रामेश्वर खरक जी, विक्की खरक जी, डॉक्टर महावीर जी मंच पर बैठे और मेरे सामने मेरे मौजिज बड़े बुजुर्गों, मातृशक्ति, नौजवान साथियों और मेरे से छोटे पौध वाले मेरे छोटे वीरो भतीजो, सबसे पहले तो मेरे अपने गांव कुराड़ की इस ऐतिहासिक भूमि पर गांव और गवांड से आए मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और छोटे भाइयों का मैं हाथ जोड़ के बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन वंदन करता हूं। मेरे बुजुर्गों साथियों, भाई धर्मवीर जी ये कह रहे थे कि गांव का गवांड का आशीर्वाद उनके ऊपर लगातार बना रहा, सच्ची बात है। मुझे इस बात का फक्र है कि रणदीप जिंदगी में कहीं भी पहुंच गया, पर रणदीप की रगों में कलायत के हलके की संस्कृति और संस्कार आज भी दौड़ते हैं। चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला ने अपनी राजनीति की शुरुआत ब्लॉक समिति का चेयरमैन बन के इसी इलाके से करी, तब तो कलायत नरवाना सारा इलाका भी अपना एक ही हुआ करता था, धीरे धीरे आबादी बढ़ी फिर इलाके बढ़ते गए। पर मैं आपको एक बात कह सकता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर रणदीप कहीं भी जाए, इस मिट्टी का एक अंश अपने शरीर में और आपके संस्कार को साथ लेकर जाता है। और भाई धर्मवीर जी, इस चिलचिलाती गर्मी के अंदर जब जमींदार ने भी कान पड़ा के बाबा बन गया था, सारे बुजुर्गों को, नौजवानों को गांव और गवांड के इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा करने के लिए मैं आपको भी मेरे छोटे भाई बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं धर्मवीर भाई को हमेशा कहता हूं, किसान और मजदूर जब जेठ की गर्मी के अंदर, जब कड़कड़ाती सर्दी के अंदर, जब पानी देकर सांपों के बीच पानी तोड़ने सवेरे रात को जब जाता है, उसकी फसल कोई रखता नहीं, उसकी मेहनत कोई रखता नहीं। राजनीति में भी भाई धर्मवीर, मेहनत करी हुई कभी बेकार नहीं जाती, वो परमात्मा और लोग जरूर उसका फल देते हैं। और मुझे विश्वास है, मुझे इस बात का यकीन कि इस नौजवान पर आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, ये नौजवान जिसकी रगों में आपका खून दौड़ता है, ये नौजवान जिसने कभी किसी के साथ ना झूठ बोली, ना ठगी की, ना किसी को लारे लगाए, ना टॉफी दी, ना झूठी बात करी, जिनके परिवार का और जिसका खुद का हमेशा ईमानदारी का रिकॉर्ड रहा, ये नौजवान इस इलाके में, इस इलाके को, इस फसल को पानी देने के लिए अपना शरीर गड़ाकर लगातार धर्मवीर भाई मेहनत करता रहेगा, इस बात का मुझे भी विश्वास है, मुझे विश्वास है आपको भी विश्वास होगा। मेरे बुजुर्गों साथियों, 9 साल से
9 साल से हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और उसके बाद भाजपा और जसपा की सरकार पहली बार हरियाणा के इतिहास में कांग्रेस और लोकदल के अलावा भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने मौका दिया और फिर भाजपा और जसपा की सरकार को मौका दिया। अपने इलाके से तो कभी भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं, पहली बार भारतीय जनता पार्टी भी अपने कलायत कैथल के इलाके से हमें का जो कभी नहीं जीती वो भी जीत गई। किसान ने, मजदूर ने, गरीब ने, नौजवान ने, माता बहनों ने बड़ी चाह से 9 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की और उसके बाद ये भाजपा और जसपा की मौजूदा सरकार बनाई थी। उनमें से एक भाई कल अपने इलाके के अंदर भी आया था, 4-5 गांव में मुझे बताया जाके आया। 9 साल के बाद उस सरकार का जिसको हमने बड़े चाह से बनाया था, वो सरकार जो दिल्ली में भी काबिज है, वो सरकार जो हरियाणा में भी काबिज है, वो सरकार जो जिला परिषद पर भी कैथल की काबिज है, वो सरकार जो पंचायत समिति में भी काबिज है, वो सरकार जो नगर पालिका में भी काबिज है, सारी जगह भारतीय जनता पार्टी और जसपा को हमने बना दिया ताकि कोई कसर ना रह जाए। कल मुड़ के ये कहना दे इस कारण से हम रह गए थे, हम बात कर नहीं पाए इलाके की। 9 साल के बाद उनसे हिसाब मांगने का तो समय आ गया है। अपना एक पूरा इलाका पेट और पीठ एक करके जमींदारी खेती करने वाले किसान और गरीब मजदूर का इलाका, याद करिए 9 साल पहले जब दिल्ली में जो बैठे हैं दाढ़ी वाले मास्टर, जब उनकी सत्ता आई थी तो यह कह के उस आदमी ने सत्ता ली थी कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का शासन बन जाएगा उस दिन किसान को लागत पर 50% मुनाफा मिलेगा। यह कहा था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और फिर हरियाणा में भाजपा और जसपा की सरकार ने कि किसान की, गरीब मजदूर की, रविदासिया की, वाल्मीकि की, बैकवर्ड की, पेट और पीठ एक करके सोना पैदा करने वाले गरीब की, उसका कर्ज माफ करके वो दिखाएंगे। ये कहकर उन्होंने 2 बार दिल्ली की और हरियाणा की सत्ता ली थी कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर देंगे। ये कहकर सत्ता ली थी कि खेती में चाहे वो खाद हो, बीज हो, बिजली हो, इनके जो दाम बढ़े हैं उसमें राहत दिया करेंगे और न जाने 15-15 लाख जमा करवाएंगे। नौजवानों को कहा 2-2 करोड़ रोजगार देंगे। जिसने जो सोच भी लिया, जैसे चौधरी देवीलाल कहा करते थे नोटों की मशीन दिया करूंगा हर गांव को, जो किसी ने सोच लिया वो उन्होंने वादा कर दिया। आज 9 साल बीत जाने के बाद, आज 4 साल जेजेपी और बीजेपी की सरकार बनने के बाद, 9 साल से बीजेपी की सरकार हरियाणा और देश में बनने के बाद, सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा अविश्वास, सबसे ज्यादा धोखा, छल और कपट अगर किसी के साथ किया तो जमीन जोतने वाले किसान और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत करने वाले गरीब, रविदासिया, वाल्मीकि, बैकवर्ड और धानक के साथ किया। जो लोग ये कहा करते थे किसान को लागत पर 50% मुनाफा देंगे, उन्होंने हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दिया बीजेपी की सरकार ने और कहा किसान को कभी लागत पर 50% मुनाफा नहीं दिया जा सकता। जब हमने खड़े होकर पूछा क्यों नहीं दिया जा सकता तो बोले इससे मार्केट का रेट खराब हो जाएगा अगर किसान को फालतू रेट दे दिया तो। जो डीजल किसान का 56 रुपया लीटर था आज 90 रुपया लीटर है। 9 साल में 25 लाख करोड़ रुपए पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाकर मोदी की सरकार ने कमा लिए और 82,000 करोड़ रुपए
आपकी जेब काटकर डीजल और पेट्रोल पर टैक्स बढ़ाकर मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला ने कमा लिए। किसान को और खेत मजदूर को, गरीब आदमी के हाथ क्या लगा? वो जो कहा करते थे खेती पर से टैक्स हटाएंगे, मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों, काका ताऊ दादे भाई सब बैठे, 75 साल में किसी सरकार ने यह हिम्मत नहीं की, हिमाकत नहीं की कि किसान की फसल के ऊपर, किसान की जिंस के ऊपर, किसान के उपयोग की कीमत चीजों के ऊपर टैक्स लगा सके। पहली बार हिंदुस्तान में अगर किसी ने खेती पर टैक्स लगाया तो उस आदमी का नाम भी नरेंद्र मोदी है और भारतीय जनता पार्टी और जजपा की सरकार है। ये पत्रकार और छायाकार साथी बैठे, पहली बार खाद पर 5% जीएसटी लगा दिया, किसान का कीटनाशक दवाई के ऊपर 18% जीएसटी लगा दिया, किसान के ट्रैक्टर और खेती के उपकरणों पर 12% जीएसटी लगा दिया। किसान अगर अलग से ट्रैक्टर की कोई पुर्जा खराब हो जाए, कंबाइन का पुर्जा खराब हो जाए, ट्रैक्टर के टायर बदलवाने जाए तो उस पर 18% जीएसटी लगा दिया। लाखों करोड़ रुपए केवल खेती के ऊपर जीएसटी लगाकर नरेंद्र मोदी, दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर कमाते हैं। और केवल इतना नहीं, जो ये कहा करते थे किसान का कर्ज माफ करेंगे, संसद के अंदर राहुल गांधी जी ने सवाल पूछा किसान का कर्ज माफ कब होगा, तो नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया किसान का कर्ज माफ नहीं हो सकता, रवि रासिया और वाल्मीकि का कर्ज माफ नहीं हो सकता, बैकवर्ड क्लास का कर्ज माफ नहीं हो सकता। सवाल पूछा क्यों नहीं हो सकता, बोला हमारे पास पैसे नहीं। तो मैं आपका बेटा आज पूछता हूं नरेंद्र मोदी से भी, मनोहर लाल खट्टर से भी और दुष्यंत चौटाला से भी, 10.5 लाख करोड़ रुपए, 10,50,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी की सरकार ने, मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला की सरकार ने लगभग 150 उद्योगपतियों के माफ कर दिए, 150 फैक्ट्री वालों के 10.5 लाख करोड़ माफ कर दिए, 12 लाख करोड़ बैंक का और डूबने लग रहा है, जो आपका और मेरा पैसा बैंकों के अंदर जमा है, 5 लाख करोड़ लोग लेकर भाग गए बैंकों का, जिसमें नीरव मोदी, निश्चल मोदी, विजय माल्या, पता नहीं कौन कौन शामिल है, काफी लोग गुजरात के भी, और 5 लाख करोड़ कंपनियों को टैक्स की माफी दे दी। तो 10.5 लाख, 10 लाख, 20.5 लाख या 21 लाख करोड़, 5 लाख लेके भाग गए, 26 लाख करोड़ और 5 लाख की बैंकों की माफी दे दी, टैक्स की माफी दे दी, 31 लाख करोड़। अगर देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ हो सकता है तो गरीब किसान, गरीब मजदूर का 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख करोड़ माफ क्यों नहीं हो सकता? इस बात का जवाब मांगने का समय आ गया है। किसान ने कितना कर्ज ले रखा, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, गरीब आदमी ने कितना कर्ज ले रखा है, कोई दुकान का, चक्की का, महसों का, भेड़ का, छोटा मोटा को मकान बनाने का, 50,000, 60,000, 70,000 रुपया। अगर आप 31 लाख करोड़ माफ कर सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों का, बड़े बड़े उद्योगपतियों का, तो बीजेपी की सरकार 2 लाख, 3 लाख करोड़ रुपए किसान और गरीब का माफ क्यों नहीं कर सकती? और जो ये कहते हैं कि ये हो नहीं सकता, सरदार मनमोहन सिंह और श्रीमती सोनिया गांधी ने जब कांग्रेस की सरकार थी, हमने करके दिखाया था, 72,000 करोड़ रुपया किसान और गरीब का माफ किया। मेरे बुजुर्गों साथियों, कर्ज माफ करना, किसान को एमएसपी की पे फसल की कीमत देना, किसान को बाढ़ से फसल खराब हो जाए राहत देना, सूखे से फसल खराब हो जाए राहत देना, तो दूर की बात है। उसके विपरीत
दो बार किसान के ऊपर, गरीब के ऊपर, गांव के ऊपर ये प्रहार कर चुके। पहला प्रहार किया जब कांग्रेस की सरकार ने किसान की जमीन एक्वायर हो तो उसको मार्केट का भाव देना पड़ेगा, जिसे उचित मुआवजा कानून कहते हैं। आते ही नरेंद्र मोदी ने वो कानून खत्म करने की कोशिश की। तब हमारी संख्या ज्यादा थी संसद के अंदर और संसद से बाहर। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, सारी पार्टियां छाती अड़ा के खड़ी हो गई। जीत नहीं सकता था संसद के अंदर, तब संख्या नहीं थी, इसलिए वो कानून तो वापस ले लिया। दूसरी बार जब लोगों ने सत्ता दे दी, दूसरी बार जब कश्मीर में हमला हुआ उसके बाद ये सत्ता में आ गए, दूसरी बार तीन काले कानून लेकर आया। मुझे, आपको, ये नौजवान खड़े हैं, इन सबको, बंधुआ मजदूर अपने खेत में मालिकों का गुलाम बनाने के लिए तीन काले कानून लेकर आया। सारा देश एक तरफ, भारतीय जनता पार्टी, दुष्यंत चौटाला, मनोहर लाल खट्टर एक तरफ, दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर, पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, हिमाचल से, जम्मू कश्मीर से, उत्तराखंड से, लाखों किसान, लाखों मजदूर, आड़ती दुकानदार, छोटा छोटा दुकानदार, गरीब रविदास या वाल्मीकि, लाखों की संख्या में पड़े रहे। एक साल बीत गया, 700 किसान और मजदूर दिल्ली के बॉर्डर पर शहीद हो गए। कुराड़ हो, कोड़े खा हो, बाड़ू हो, बाता हो, राजौंद हो, एक एक गांव का नाम लूंगा देर हो जाएगी। सारे गांवों ने चाहे कूड़ी पता 10 रुपये दिए, चाहे 100 दिए, 500 दिए, 1000 दिए। मेरी मां बहने अलग जाती थी, ट्रॉली भर भर के हम गांव दर गांव ड्यूटी लगाते थे। बॉर्डर के ऊपर लोग बैठे रहे एक साल पूरा। एक साल बाद जब यूपी का चुनाव आना था, उससे डरते वो तीन काले कानून वापिस लिए, नहीं तो इस देश के सारे खेत और खलियान, दो और तीन उद्योगपतियों की ड्योड़ी के ऊपर उन्होंने बेच डाले थे। और अब जब चुनाव नहीं, हमारी बेटियां जो पहलवान है, धक्के खाती रही, 6 महीने तक बैठी रही, आखिर दुत्कार कर पुलिस ने उनके लत्ते पाड़े, उनको जंतर मंतर के ऊपर घसीटा। वो सारी बेटियां हरियाणा की, जब वो मेडल लेकर आती, फिर तो नरेंद्र मोदी उन्हें बेटी कह के पुकारते। परंतु आज जब वो सारे पहलवान, लड़के और लड़की हरियाणा के, आज जब वो न्याय की गुहार कर रहे थे, इसलिए कि एक एमपी बीजेपी का उनको बेइज्जत करने की, उनका शारीरिक शोषण करने का दुस्साहस कर रहा था दुशासन की तरह, 6 महीने बाद उनके लत्ते पाड़कर उनको उठाकर वहां से फेंक दिया। इस प्रकार की सरकार आज हरियाणा में और दिल्ली में सत्ता में। और एक भाई और जो 4 साल पहले 10 MLA हमने उसको दे दिए, और वो MLA सिरसा से नहीं आए, वो MLA आए जींद से, नारनौत से, टोहाना से, उकलाना से, बरवाड़ा से, नरवाना से, उचाना से, जुलाना से, अपने इस पूरे इलाके से आए। वो ये कहा करता था, मैं आज मेरे इलाके के बड़े बुजुर्गों से कहता हूं, एक आदमी ये कह दे दुष्यंत चौटाला को लोगों ने इसलिए वोट दी थी कि वो बीजेपी की वोट डाल देगा, दुष्यंत चौटाला को इसलिए वोट दी थी लोगों ने समझा, किसान ने समझा, गरीब ने समझा, ये उभरता हुआ नौजवान है, और शायद इसके अंदर एक उम्मीद की किरण दिखती। ये कहा करता था, मनोहर लाल खट्टर को मैं यमुना पार करवाऊंगा। और मनोहर लाल खट्टर ये कहा करते थे, दोनों भाइयों को हथकड़ी लगाऊंगा। जिस दिन आपकी पर्ची ले ली, जिस दिन आपका विश्वास ले लिया, जिस दिन आपकी वोट और नोट ले ली, पहला काम ये करा, सबसे पहले नरवाना वालों के, उचाना वालों के, जुलाना वालों के, टोहाना वालों के, नारनौंद वालों के, वो 10 हलके जिन्होंने उसको MLA बना कर दिया था, सबसे पहले उनका कत्ल किया राजनीतिक तौर से, और जाकर भारतीय जनता पार्टी की गोदी में बैठ गया। 23-23 महकमे हैं उस आदमी के पास, 4 साल से 4-4 काम भी करता उचाना नरवाना कलायत में,
सारे गांवों के काम हो जाते। पर चार साल बाद आया, चार साल आया नहीं, कोरोना के अंदर लोग मरते रहे, कोरोना में लोग मरते रहे, अगले के खुद के हल्के उचाणा में, नरवाणा में, कलायत में, कैथल में, नारनौद में, जुलाणा में, जीन में, सफीदों में, वापस मुड़कर नहीं आया। दारू बेचने लग रहा था, दारू बेचने से फुर्सत लगती तो ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके आता, दारू बेचने से फुर्सत लगती तो फिर पीपीई किट लेकर आता, दारू बेचने से फुर्सत लगती तो फिर मशीन से दवाई का छिड़काव करवाता ताकि किसी की जिंदगी बच जाए। हम तो सत्ता में नहीं थे, आपका अजीज तो सत्ता में नहीं था, परंतु पूरे जींद जिले, पूरे कलायत, पूरे कुरुक्षेत्र में कोई ऐसा शहर बता दीजिए जहां हर शहर के ऊपर ये भाई गवाह, एक एक शहर के अंदर हर डॉक्टर तक, क्योंकि बीमारी तो डॉक्टरों के पास लोग जाते थे, डॉक्टर से लगती थी, वो लबादे से पहना करते थे जिसे अंग्रेजी में पीपी किट कहते हैं, हर डॉक्टर के पास पांच पांच छह छह बार, कई जगह दस दस बारह बारह बार जाके पीपी किट, हर दुकान पे मास्क, हर दुकान पे सैनिटाइजर, हर शहर और गांव के अंदर सोडियम हाइपोक्लोराइट एक दवाई आई थी, उसका वो मशीन थी जिसको चार्ली टोर्नेडो कहते हैं, वो धुआं बनाती थी उसका, उसका छिड़काव, और एक 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 गांव के अंदर जाके जो हमसे सेवा हो सकी, किसी को ऑक्सीजन की जरूरत थी, ऑक्सीजन का कैंप लगा के रखा मेरी कोठी के ऊपर, नरवाणा में अलग, कैथल में हमने अलग लगाया, फतियाबाद में अलग लगाया, थानेसर कुरुक्षेत्र में अलग लगाया, और करनाल तक लेकर गए, करनाल में अलग लगाया, मुख्यमंत्री ने नहीं लगाया। जिसे सिलेंडर चाहिए, मरीज मरने लग रहे, ऑक्सीजन है नहीं, आप ले जाओ मुफ्त में, जब खाली हो जाए हमें उल्टा दे जाना, दूसरा चाहिए दूसरे ले जाना। मशीन हुआ करती थी जो ऑक्सीजन बनाती, वो मशीन अपने यहां मिलती नहीं, अपने मुल्क में नहीं बनती। आप जैसे किसी भाई ने उनका, उनको इंपोर्ट करके, आयात करके दिया, वो सारी मशीन नरवाणा और कैथल के अंदर रख दी। जो मरीज छुटकर आता था उसको कई दिन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी, आज भी उनमें से 10-12 मशीन धर्मवीर भाई देकर आया करते थे, सतबीर भाणा रहे ये देकर आया करते थे, भाई भूपेंद्र रहे, सुदीप भाई रहा, ये सब देकर आया करते थे, चाचा जी मंच पर मौजूद है, आज भी 12 मशीन आज भी लगी हुई, 50-60 नई मशीनें खरीद कर लाए, कोई खर्चा नहीं किसी का, आओ मशीन ले जाओ, जब आप मरीज ठीक हो जाए उल्टी अपने आप दे जाइयो, हम उसकी पाइप बदल के अगले मरीज को दे दिया करते थे। कहां था दुष्यंत चौटाला जब अपने इस पूरे इलाके में बारिश से नुकसान हुआ, और ऊपर के इलाके में अपने से तो बहुत नुकसान हुआ, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, पानीपत, अंबाला, पंचकुला, कहीं नजर नहीं आए, ना मनोहर लाल कट्टर साहब नजर आया और ना दुष्यंत चौटाला नजर आया। 23-23 महकमे उनकी मड़ाई खाने से फुर्सत मिले तो आपकी सेवा के लिए आए, अब ये कहता है मुझे 47 MLA दे दो, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मेरे बड़े बुजुर्गों 10 दिए तो बीजेपी की मंडी में खुद को बेच आया, 47 दे दिए तो पूरे हरियाणा को बेच आए, याद रखिए। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने लगातार पिछले 5 साल से नहीं, 9 साल से हरियाणा के नौजवानों के भविष्य को लूटा। कांग्रेस के राज में तो कहा करते थे नौकरी कम लगती, इब तो 4 साल हो गए, खट्टर ने जितने बच्चे खड़े हैं मेरे से ज्यादा ये जानते हैं, क्यों ये भुगत भोगी हैं, आप तो इनकी इनकी पीड़ा बोल के बतावा। 43 बार पेपर बिक चुका हरियाणा में, 43 पेपर बिक लिए, सीईटी का जो ताजा पेपर था जो इस एतवार और सोमवार को हुआ था, क्यों धर्मवीर भाई, वो अब ताजे वो बिके, 43 बार पेपर बिक चुका, आज तक किसी की सजा नहीं है। हम खुद जाकर पकड़वा कर आए पब्लिक सर्विस कमीशन के सेक्रेटरी को, नागर को 3 करोड़ रुपए, 3 करोड़ 50 लाख की बंडल के साथ अटैचियों में भरे पाए गए, किसी की सजा नहीं, कोई बोलता नहीं। हरियाणा से बाहर के बच्चे लगते हैं रोज,
हरियाणा का बच्चा कहते हैं गुणी नहीं। मनोहर लाल खट्टर तो यह भी कह देते कि हरियाणा वालों के कंधे से ऊपर हम कमजोर हैं। खट्टर साहब जिस दिन पर्ची पड़ेगी ना उस दिन दिखाएंगे कमजोर कौन है और तकड़ा कौन है। ये भरे बैठे हैं, कभी कह देते हैं किसी ब्राह्मण तो बच्चा भी छोटा हो अपने इलाके में तो ये दादा कहेंगे और खाट के ऊपरली तरफ बिठाएंगे और आपा खुद तले बैठते हैं तरली तरफ बैठेंगे। ये कहता है मैं परशुराम वाले फरसे से ब्राह्मणों की गर्दन काटते हैं, ब्राह्मणों की लड़कियों के बारे में, ब्राह्मणों के शरीर के रंग के बारे में जिस प्रकार के सवाल पेपरों के अंदर पूछे जाते हैं, मैं इस मन से बोल के नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे शर्म आती है वो बात कहने। मेरे बुजुर्गों साथियों इनका हिसाब करने का समय आ गया है। ये हर रोज नौकरियां बेचते हैं, ये हर रोज नौकरियों की मंडी लगाते हैं, हमारे लड़के लड़कियों का भविष्य बेचते हैं। आपको भी फैसला करना पड़ेगा। एक तरफ भाई धर्मवीर आपका अजीज है रणदीप, हम सारे भाई खड़े हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो अलग अलग रूप बदलकर अपने इलाकों को ठगते रहे हैं। देखिए शायद धर्मवीर भाई कह रहे थे कि या शायद भाई साहब कहने लग रहे थे कि भाई हिसार में ताकत गई क्योंकि भजनलाल जी वहां मुख्यमंत्री बन गए थे, या रोहतक में इसी प्रकार से ताकत गई, या भिवानी जिले में इसी प्रकार से ताकत गई। ये सच बात है। एक कहावत है मशहूर बूढ़ों की बताई हुई, लीडर इलाके से बड़ा है और इलाका लीडर से बड़ा है। आपने सारे अजमा के देख लिए, अपने यहां कई बैरूप ये हैं। आपने पिछले 50 साल से 60 साल से पिताजी को और मुझे तो देख रखा है। जब रणदीप के पास ताकत आती, चाहे मैं कलायत से एमएलए नहीं था, याद करिए जब मान साहब को टिकट दी, फिर मान साहब के बेटे मेरे छोटे भाई स्वर्गीय बॉबी मान को टिकट दी, आपका अजीज जब बिजली का वजीर था तो मेरे पास बिजली का विभाग आ गया, जो काम कैथल में हुए बिजली के उतने ही काम लगभग अपने क्लाइंट के अंदर भी किए, क्योंकि आपका एहसान आपके संस्कार मेरे ऊपर भी। उदाहरण के तौर पे चाहे बागता के अंदर अपने एक बड़ा बिजली घर था जो पिताजी ने बनाया था डूमर खा के ठड्डे पे नरवाणा के नीचे, उसी से कलायत को बिजली मिलती थी और उसी से बिजली मिलती थी नरवाणा को। फिर कैथल के लिए अलग बिजली घर बनाया 220 केवी का सुरजेवाला जी ने, जो तीतरम मोड़ पे आज भी वहां उनके नाम का पत्थर लगा हुआ है। परंतु जब जिला अलग अलग हो गया और इलाके बट गए तो कलायत की बिजली अलग करने की जरूरत थी। खर्चा आता है 100-125 करोड़ रुपए का, सरकारें कलायत की बिजली अलग नहीं करती थी। फिर बागता वालों ने जमीन दी, बाबे की शायद जमीन पड़ी थी, आपको याद होगा आप गए थे बात कर, और 220 केवी फिर अपने राज के अंदर लगभग 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 मेरे ख्याल से 40 करोड़ रुपए का खर्चा आया था उस समय। तो बागता के अंदर अपना अलग बिजली घर बनाया ताकि अपनी बिजली नरवाणा के साथ चिबड़ी ना रहे, अलग हो जाए अपनी बिजली, आप अपने खुद मुख्तियार हो जाए। चंदाना का बिजली घर बनाने की बात हो, कुराड़ का बिजली घर बनाने की बात हो, सीसला का, कैलरम का, मटोर का, कोटड़ा का, किठाणा का, देवबन का, कलायत का, बाड़ू का, जखोली का, राजौंद का, आपके अपने हाथ से आपके इस अजीज ने बनाकर दिया। कलायत का, बाड़ू का, जखोली का, राजौंद का बिजली घर बड़ा करके दिखाया। और कलायत की आईटीआई हो, वीर बांगड़ की आईटीआई हो, कलायत का नया बस अड्डा हो, कलायत की आईटीआई में एससी एसटी विंग बनाना हो, देवबन की पीएचसी हो, बागता की पीएचसी हो, राजौंद की पीएचसी हो, बहुत सारी सड़कें हो, नए ट्यूबवेल हो, 20 नए वाटर वर्क्स हो, जोन सा महकमा मेरे पास आता गया, अगर उसका कुंडरी को, गुला चीका को, कैथल को फायदा हुआ तो मुझे लगता है कि कैथल के साथ साथ सबसे ज्यादा फायदा कलायत को हुआ। मैंने बात इसलिए कही, मैंने बात इसलिए कही कि चुनाव चाहे रणदीप यहां से नहीं लड़ता,
पर आपके संस्कार संस्कृति, आपकी सिखाई हुई सीख मेरी रगों के अंदर दौड़ती है। मेरे को चाहे पूरा देश चलाने का मौका मिल जाए, पर रहूंगा मैं फिर भी आप ही का बेटा। वापिस मुड़के इस मिट्टी के अंदर आना। मैंने इसलिए छोटे भाई को एक बात कही थी, अपना एक लक्ष्य, कोई कवे मुझे कुछ बनाओ। धर्मवीर और मैं कहते हमें कुछ नहीं बनना, हमें केवल अपने इलाके की सेवा करनी। मैं आपको एक बात कहता हूं बुजुर्गों साथियों, 50-60 साल से दो पीढ़ी मेरे पिताजी को मुझे आपने बरत के देख रखा, हमने कभी अपना धर्म नहीं बदला। हमारा सामान फोर व्हीलर के अंदर नहीं है, जो आज इस फोर व्हीलर में धर लिया, कल परले में धर लिया, तीसरे दिन तीसरे फोलर में धर लिया। क्योंकि बूढ़े ने हमें एक बात सिखाई थी, थोड़ पड़ा पत्थर भारी। आदमी एक जगह रहेगा, और यही कारण था कि जब फैसला कर लिया कि चौधरी तेजिंदर पाल मान को ही कांग्रेस की टिकट मिलेगी, तो कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट दी। आपके सामने जिताना हराना लोगों की मर्जी है, भगवान वो है, हम तो भगवान है नहीं, हम तो सेवा करने वाले, आपके सीरी समझ लो, आड़ी समझ लो, वो है। और जब ये फैसला कर लिया कि जब उनका स्वर्गवास हो गया, उनका बेटे बॉबी मान को मिलेगी, तो बॉबी मान को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी। छोटा भाई रहा नहीं, वो परमात्मा की मर्जी, मान साहब रहे नहीं, वो भी परमात्मा की मर्जी, परंतु कांग्रेस पार्टी की सेवा करी, उसमें बो रखे, उसे सींच रखे अपने खून पसीने से। और रणदीप के पास ताकत होगी तो आप खुद मुख्तियार होंगे। मेरी तो आप कलम पकड़ के, बा पकड़ के जो आप चाहोगे वो लिखना पड़ेगा, मेरे पास चारा नहीं। नरवाना वाले, उचाना वाले, कलायत वाले, कैतड़ वाले, पुंडरी वाले, राजौंद वाले, गुला चीका वाले, जुलाना वाले, जींद वाले, नारनौंद वाले, उखलाना वाले, बरवाड़ा वाले, जो आप कहोगे वो लिखना पड़ेगा, इसलिए कि अपना हथियार होता है। बूढ़ो ने एक मिनट में स्टेज पे हाथ रखा, पगड़ी गिल साहब ने मेरे सर पे रखी, इसलिए कि अपना मारे छामे गेड़ा अपना आदमी सबको पसंद आता है। दो तरह के लोग आज इस इलाके में, एक आपकी पगड़ी कड़ियां और रखवाना चाहते, उसके बाद फिर गुलामी करनी पड़ेगी। एक हम सारे भाई खड़े, हम आपकी पगड़ी आपके सिर पे रखना चाहते हैं। फैसला आपको करना। मैं आपको एक बात कहता हूं, जो चीज आदमी बन सकता है वो सारी चीज बहुत नौजवान उम्र से आपके आशीर्वाद से, चाहे वो नरवाना में चुनाव लड़ा, चाहे वो कैथल में चुनाव लड़े, आपके आशीर्वाद से मैं सारी चीज बन गया। दिल्ली से लेके, कर्नाटक से लेके, जम्मू कश्मीर से लेके, उत्तर प्रदेश से लेके, और पंजाब हरियाणा हिमाचल तक, राम के तो कोई पैड़ी लगा नहीं सकता। केवल और केवल हरियाणा की सत्ता चला के देखनी है, वो अभी नहीं देख पाए। तो इसलिए ये फैसला आपको करना, जिसके पास आखिर में एमएलए होते हैं राज, उनको मिलता। मैं आपसे खरी बात करूंगा, मैं किसी का भतीजा लगता हूं, किसी का पोता लगता हूं, किसी का बड़ा भाई हूं, किसी का छोटा हूं। मैं आपको राजनीति से ऊपर उठ के आज एक बात कहने आया हूं, आपको मेरी खरी लगे आप जरूर सोच लियो। अपने इन दोनों तीनों जिलों के अंदर, कुरुक्षेत्र करनाल से लेके और जींद तक और इधर हिसार तक, कोई और आदमी हो मेरे से बढ़िया हो, आपके राज ले आ सकता हो, उसकी मदद करो, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं तो और बांट देख लूंगा। और आपको लगे इन सारे जिलों के अंदर ये एक आदमी बच गया है जो मेहनत करने लग रहा है, और मैं तो हाड़ी हूं, मैं तो अपना सिर कमा के जिंदगी में यहां पहुंचा हूं, मुझे कोई प्लेट में रख के किसी ने नहीं दिया। आप याद करो 1993 से 1987-88 से संघर्ष करने लग रहा हूं, 2023 होगी, 25 साल की उम्र में काम शुरू किया था, 56 साल का हो गया, आधी जिंदगी लगा के तब यहां तक पहुंच पाया। मैं आपको एक बात कह सकता हूं,
अगर आपको राज रणदीप भी लाके नहीं दे सकता और कोई राज लेके नहीं आएगा, और बगैर राज माफ करना तारा काम नहीं चल रहा। एमएलए तो आपने बहुत बना लिए, एमएलए बना के तो आपने दूसरे हलकों तक भी भेज दिए, एमपी आपने बतेरे बना लिए, वजीर आपने बहुत बना लिए। एमपी एमएलए वजीर में अगर कलायत वालों का, जींद वालों का, कैथल वालों का, नरवाणा वालों का, जुलाना सपीतो वालों का तारा काम चलता तो चाल लेता, लोड नहीं थी उनमें से किसी की। एमपी एमएलए वजीर आप बहुत बना चुके, तारी कलम से तारी कोख से पैदा कर देते हो आप, खड़े खड़े पैदा कर देते हो आप एमपी एमएलए वजीर, उनसे आपका काम नहीं चल रहा। आपको चाहिए हरियाणा के राज को आपकी ड्योढ़ी पर लाने वाला आदमी। व्यक्तिगत स्वार्थ भी हो सकता आदमी का, कोई बात नहीं, हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, परंतु मैं आपको एक बात कह रहा हूं, इसलिए ये पगड़ी आपके सिर पे रहनी चाहिए। जो दूसरों के सिर पे आपकी पगड़ी रखना चाहता है वो आपको राज नहीं लेकर आएगा, वो तो खुद का स्वाद लेगा पार जाएगा। रणदीप ने कभी स्वाद लेकर पार नहीं गया, और इसलिए मैं आपको ये कहता हूं, मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरे काका ताऊ, मेरे भाइयों, आज राजनीति से ऊपर उठ के ये समझ लीजिए, जिस दिन जीन, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, ये पूरा इलाका, हिसार का इलाका आपके अजीज के कहने से, बाकी तो कोई कमी नहीं, जहां तक मैं पहुंचा हूं मैं तो कल्ला एमएलए बन जाऊं, अपनी काबिलियत से आगे चले जाता हूं। ये तो नहीं है कि मेरे साथ कोई 10-20 एमएलए थे जिन्होंने मुझे आगे पहुंचा दिया। एमएलए तो जनाब 90 बने, चट्टा साहब भी तो एमएलए था, मेरे से गण ही बार बन लिया फालतू, परंतु जब बढ़ने की बारी आती है तो पार्टी मुझे उनसे ऊपर बनाती है। उसकी उम्र तो मेरे पिताजी से भी बड़ी है, उन्हें क्यों नहीं बनाती? इसलिए कल्ला एमएलए बनने से नहीं काम चलता, बंदे के अंदर भी अपनी काबिलियत होनी चाहिए, जो अपना धक्का लगा के आगे लाइन में खड़ा हो जाए, उसके बगैर काम नहीं चलता। एमएलए तो बतेरे बने हुए, एमएलए तो आज भी बने हुए, पड़ोस में भी बने हो, उससे आगे भी बने हो, उससे आगे भी बने हो, फिर उनको राज तो कौन क्या रहा है? तो इसलिए कुछ लोग हैं जो जयचंद की तरह अपने इलाके की पगड़ी दूसरी जगह रख के आना चाहते हैं। हम पद से ज्यादा अपने इलाके की तस्वीर बदलना चाहते हैं, और मैं आपको इसलिए एक बात कहता हूं, जिस दिन अपने ये दोनों तीनों चारों पांचों जिले कांग्रेस पार्टी के एमएलए रणदीप के कहने से बनाने लग जाएंगे, उस दिन इस इलाके की ड्योढ़ी के ऊपर आपके दरवाजे पे हरियाणा का राज में यही अपनी स्याही के अंदर कुराड़ की यहाँ लाके खड़ा कर देंगे, मडाड़ की चौपाड़ के ऊपर से हरियाणा का राज चला के दिखा देंगे। आज शाम को जब आप ईश्वर को हाजिर नाजर मान के, जब शाम को सो रोटी खाने के बाद आदमी परमात्मा का नाम ले भी लेता है, परमात्मा दिन के लिए उसको धन्यवाद कर ही देता है, तो शाम को जरा ये बात जरूर सोच लीजिएगा। और एक आखिरी बात कह के मेरी बात को विराम दूंगा, हे मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, भाइयों, दो बात जान लीजिए, एक तो बोलना सीख लीजिए, एक दुश्मन को पहचान लीजिए। चौधरी छोटू राम जी ने एक बार बात कही थी, चौधरी चरण सिंह जी ने कही थी, बाबा साहब अंबेडकर ने भी कही थी, आज फिर मैं आपको कहता हूं, आपका अपना कौन है, आपका पराया कौन है, आपके बालकों तक, आप तक, आपके खेत खलियान तक राज लिया कौन सकता है, और उस राज में अड़चन कौन बना खड़ा है, ये बात आप पहचान लीजिए, बाकी बात आपके अजीज पर छोड़ दीजिए। मैं इनका रुका रखा है रुकता नहीं हूं, आपको पता है मेरा टाबर मुझे रोक सकता, टाबर से बाहर नहीं मुझे आज तक कोई भी रोक पाया, ये 30 साल का रणदीप का भी रिकॉर्ड है। वो एक किसान वाली बात है जो मैं बताया करता हूं, वो कह के मेरी बागवाणी को विराम दूंगा। एक जमींदार ने शिव जी की, बाबा जी की, जैसे अपने ये बिदक्यार वाला तालाब है उसकी बहुत पूजा करी, यहां भी कहते हैं शिव जी प्रकट होया था तभी पानी आया अपने सारे इलाके, शिव जी प्रकट हो गया, उसने कहा बोल बाबा क्या मांगता है। अब जमींदार को क्या चाहिए, उसकी फसल के दो दाने ठीक हो जाए, उसको क्या मेरा था, बाबा शिव बाबा खुद ही प्रकट हो जाएगा, अब कई साल सेवा करी थी, बोल बोल भैया बोल क्या चाहिए तुझे। अब उसे और तो कुछ समझ नहीं आया मौके पे,
उसने कहा मुझे बाबा जी अमर कर दे शिव बाबा जी। अब वो तो भोलेनाथ है, वो तो कभी टाल तो करता ही नहीं किसी की। उसने चक्कर में शिव जी भी पड़ गया, बोले ये तो बड़ी औखी बात मांग ली, जे ये अमर हो गया फिर ये सारे देवता क्या करेंगे। तो उसने कहा देख भाई तू भी जमींदार है, मैं भी जमींदार जैसा ही हूं, बम्बोले तो ऐसा ही है, भोला आदमी है, तो अमर तो करूंगा नहीं पर अमर जैसा कर देता हूं। जब यमराज आएगा तेरे को तेरे पांदे खड़ा दिखेगा, तुम पांव की तरफ उसे 5 मिनट खड़े ना होने दिए तू मर नहीं सकता। बोला जी ये तो सोखा काम है, यही दे दो मुझे, तो दे दिया। बोला तथास्तु, चले गए शिव जी। अब वो भी भूल भाल गया, बूढ़ा हो गया, बालक हो गए, बहुएं आ गई, पोते पोती हो गए। एक दिन पड़ा टोली पे हुक्का पीने लग रहा, तो आ गया यमराज। अब उसको तो वरदान था, उसको यमराज दिखा, उसने कहा यमराज भाई महाराज मैं आ गया हूं, तेरे ऊपर वरदान है, मैं खड़े हूं तुझे लेने आया हूं। उसने तो फौरन सिराने की तरफ पांव कर लिए और पांदे की तरफ सिर कर लिया, वो यमराज चक्कर काट के पराने आ गया। फिर पराने उसने फिर पांव परन कर लिए, वो यमराज वहां उसने 10-20 जब चक्कर काट लिए, बहू सामने वाले कमरे में रोटी पोरी थी अगले कमरे में, उसने कहा बाबू बोला हो गया, अपने बुला के लिया पति को उसके छोरों को, बोले बाबू बोला हो गया। उन्होंने भी देखा बाबू चक्रे काट रहे, उन्हें थोड़ी दिखा था यमराज, वरदान तो जमींदार के पास था। बोले हाँ भाई बावड़ा हो गया, इसको ऐसा करते हैं रस्सी से जोड़ देते हैं। उसने बड़ा कहा बेड़ी चोर ना मरवाओ, ये आ रहे हो ये ले जाएगा मुझे। बोले अच्छा इसको गणा दिखे, इसकी तो नजर भी कमजोर रही, चश्मा लग रहा, अब मैं दिखता नहीं, वो पागल हो गया इस करके, बावड़ा हो गया इस करके, करने लग रहा।